स्वागत है आप लोगों का राजनीति शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज दो में। आज का हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं? देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन यूएन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुई थी, यानी ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है ना, कब हुई, तो आप क्या बोलेंगे 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्य भी उद्देश्य क्या है निम्नलिखित, इसको आगे हम लोग देखेंगे। पहला अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या है बनाए रखना, बताता है संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इसके लिए सदस्य देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करता है और किसी भी आक्रामकता को रोकने के लिए आवश्यक कदम क्या है उठाता है। मतलब आपस में किसी भी देश को एक दूसरे से लड़ने नहीं देना, इसका मेन उद्देश्य है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति या फिर क्या बोल सकते हैं, सुरक्षा बनाए रखना। ये किसका उद्देश्य था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। दूसरा हमारा है राष्ट्रों के बीच मित्रता को क्या है बढ़ावा देना। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विभिन्न देशों के बीच यानी अलग अलग जो देश हैं उसके बीच क्या स्थापित करने का कोशिश करता, मित्रता, और क्या स्थापित करने का कोशिश करता, सहयोग। तो मित्रता सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है, कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये चाहता है कि सभी देश के बीच क्या बना रहे, समानता बना रहे, और सब जो है वो अपना क्या है आत्मनिर्णय यानी अपना निर्णय अपने खुद से लें पूरे तरीके से, और कोई भी देश जो है वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में जो है वो क्या ना करें, हस्तक्षेप ना करें। तो ये इनका जो है ना मूल उद्देश्य था किनका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसी के लिए सबको क्या करते थे, प्रोत्साहित, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रों के बीच में क्या है मित्रता का बढ़ावा देना। स्वाभाविक है जब एक दूसरे को पर्सनल हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो आप में क्या बनेगी भैया, दोस्ती बनेगी। आगे आइए, अगला हमारा क्या है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानवतावादी मुद्दे पर क्या है, सहयोग। बताता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मानवतावादी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य वैश्विक गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव अधिकारों के मुद्दे पे हल करने के लिए क्या है, सहयोग करना यानी मानव हित में काम करना। स्वाभाविक है जो मानव हित में काम कीजिएगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे, शांति तो सबको पसंद है। आगे अगर बात करें अगला, तो मानव अधिकारों की सुरक्षा करना। बताता है संयुक्त राष्ट्र एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव के अधिकार मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान सुनिश्चित करना है। तो इसके तहत वो सभी मनुष्यों के लिए बिना किसी भेदभाव गरिमा स्वतंत्रता समानता को बढ़ावा देने का क्या है प्रयास करता है। और अगर ऐसी भावनाएं हैं तो स्वाभाविक है विश्व में शांति आएगी। अगला हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय का क्या है पाल। बताता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय का पालन सुनिश्चित करने के लिए काम करता है और यह सदस्य देशों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जिसके तहत वो अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को क्या है पूरा कर सके। यानी जो भी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल हुए उनके लिए कॉमन नियम बनाया गया ताकि सब लोग उस नियम को पालन करें और आसानी पूर्वक से जो है वो विश्व स्तर में शांति व्यवस्था को स्थापित किया जाए। अगला हमारा क्या, संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदस्य देशों के बीच क्या है, समन्वय। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अलग अलग देशों के प्रयासों का समन्वय करता है ताकि उसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यह संगठन एक मंच प्रदान करता है जहां देश आपसी विचार विमर्श कर सकते हैं और समाधान खोज सकते हैं और सामूहिक कार्रवाई क्या है कर सकते हैं। यानी भैया संयुक्त राष्ट्र संघ एक मंच है जहां सब लोग एक साथ आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और अपनी अपनी बात रखने के बाद वो किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन क्या है, उद्देश्य, मेन पर्पस है। बताता है एक संयुक्त राष्ट्र संघ के ये उद्देश्य इसे एक ऐसा मंच बनाता है जहाँ से वैश्विक समस्या मतलब पूरे विश्व स्तर की जो समस्याएं हैं उसका समाधान शांतिपूर्ण
और सहयोगात्मक तरीके से क्या किया जा सकता जिससे एक अधिक अस्थायी और न्याय संगत विश्व का क्या है निर्माण हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच क्या है शेयर करें। धन्यवाद।